तो फाइनली दोस्तों देख रहे हैं पारसनाथ का मंदिर सबसे ऊंचाई जो आपको दिख रहा है ऊपर में एक त्रिशूल की दिशा यही। हेलो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल। तो और सबसे पहले आप सब लोग को नमस्कार हमारे ओर से। और जैसे आप देख रहे हैं हम यहाँ पर हैं आत्री पीरटांड दोस्तों, आत्री और नवाडी पीरटांड। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर स्कूल है पीरटांड का और इस वक्त हम यहाँ पर हैं और यहाँ से जंग जो आपको दिख रहा है पारसनाथ थोड़ा दूर है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पूरा आखिरी तक, बने रहें दोस्तों, बने रहें आखिरी तक और आगे वीडियो आप लोगों को दिखाते रहेंगे हमारे YouTube चैनल में और फेसबुक के जरिए से। हैं तो आप सब रहे, ये है पीरटांड का स्कूल और जो दोस्तों पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को, ये पारसनाथ का पहाड़ है, सबसे ऊपर पहाड़ है और हम इस वक्त पहाड़ के नीचे हैं, काफ़ी दूर में है जो आपको लग रहा है कि मैं नज़दीक में हूँ। ओके अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर चिरकी डुमरी 21 किलोमीटर है, बगोदर यहाँ से 24 किलोमीटर है और धनबाद 76 किलोमीटर है और हजारीबाग यहाँ से 90 किलोमीटर है और रांची 186 किलोमीटर है दोस्तों। और ये पुलिस स्टेशन और पीरटांड पहुँच गए हैं, पीरटांड पहुँच गए हैं दोस्तों। चलिए वीडियो आखिर तक बने रहें ताकि आप लोग को दिखाते रहेंगे। प्रखंड कार्यालय पीरटांड दोस्तों, ये थाना है देख सकते हैं, ये अस्पताल पीरटांड का है। एक चीज़ है दोस्तों कि पारसनाथ का जो पहाड़ जितना दूर से आपको देखने में अच्छा लगता है उतना दूर से नज़दीक आप लोग अच्छा नहीं लगता हो, देख रहे हैं यहाँ देखिए। तो फाइनली दोस्तों अब देख रहे हैं, देखिए यहाँ से हम बताते जा रहे हैं कि मधुबन 4 किलोमीटर, गौतम स्वामी 13 किलोमीटर, पारसनाथ यहाँ से 14 किलोमीटर है। पारसनाथ मंदिर जो हमारे यहाँ से आगे जाके लेफ्ट घूमना पड़ेगा, लेफ्ट आगे चल के पारसनाथ मंदिर लेफ्ट घूमना पड़ेगा, उसी बाद जीटी रोड 17 निर्माण विभाग पथ परमंडल ग्रेटी। और यहाँ भी हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, ये हमारा गाड़ी और यहाँ पर हेलमेट और चलते हैं आखिरी तक, बने रहे क्योंकि पारसनाथ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 14 किलोमीटर पारसनाथ का मंदिर है और 4 किलोमीटर मधुबन। यहाँ पर हम पहुँच गए मधुबन मोड़, ये है दोस्तों मधुबन मोड़ देख रहे हैं। यहाँ पर हम काफ़ी बार वीडियो बना चुके हैं आप लोगों को दिखाने के लिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ये है मधुबन का मोड़ और ये है गेट। और इस वक्त हम यहाँ पर, अब यहाँ से हमको जाना है डुमरी जाना है क्योंकि यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है काफ़ी लंबा चौड़ा, ठीक है। पारसनाथ का गेट जो है इधर से निकलेंगे, ठीक है। और जैसे कि अभी हम यहाँ, कभी भी आप लोग आएंगे तो यहाँ आपको ये गाड़ी जिधर से आई ये मधुबन होके आए हैं और ये बोर्ड है पीछे आप देख सकते हैं, क्योंकि
यहाँ से देखिए परसनाथ 14 किलोमीटर जो आपको दिख रहा है, डुमरी 17 किलोमीटर, परसनाथ रेलवे स्टेशन 22 किलोमीटर है, हजारीबाग 88 किलोमीटर है, धनबाद 72 किलोमीटर है, रांची 184 किलोमीटर है। तो फाइनली दोस्तों देख रहे हैं परसनाथ का मंदिर सबसे ऊंचाई जो आपको दिख रहा है ऊपर में एक त्रिशूल की दिशा, यही है परसनाथ। दोस्तों हम यहाँ से नहीं जा पाए, आप लोग माफ़ कीजिएगा दिखाने के लिए, फिर भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 14 किलोमीटर दूरी है परसनाथ का मंदिर। यहाँ से दूरी नहीं है परसनाथ का मंदिर, 14 किलोमीटर दूरी है और आप सब लोग मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि ब्लॉग हम परसनाथ का बनाने वाले थे पूरा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है जो हम वहाँ पर जाके बना सकते हैं और कुछ काम के लिए हम आए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़दीक पहुँच गए हैं, बहुत करीब नज़दीक पहुँचे हैं और यहाँ पर मधुबन का गेट है जो यहाँ से 4 किलोमीटर मधुबन है और परसनाथ यहाँ से 14 किलोमीटर ऊपर है। तो आई होप वीडियो में आप लोग को कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलते रहेंगे, बहुत सारा वीडियो आप लोग के बीच पेश करूँगा। तो फाइनली दोस्तों आप लोग अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं गेट और इस वक्त हम मधुबन का मोड़ में और यहाँ से परसनाथ काफ़ी दूर नहीं है, 14 किलोमीटर में है और यहाँ से भी हम जा नहीं पाएंगे। तो आप लोग को यहीं पर वीडियो समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।